तो वैसे तो चुनाव 10 राज्यों में चल रहा है, लेकिन बवाल की खबरें केवल बंगाल से ही निकलकर सामने आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में वोटिंग से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। यहां वोटिंग के दौरान कई जगहों पर मारपीट और झड़प की खबरें हैं। दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए, वहीं बैरामपुर में भी बवाल देखने को मिला है। यहां पुलिस वाले ने हंगामा कर रहे युवक पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। वहीं बोलपुर बूथ पर टीएमसी के कार्यकर्ता एक वोटर का हाथ पकड़कर वोट डलवाते हुए दिखा, जबकि आसनसोल में एक पिता ने अपने नाबालिग बेटे से वोट डलवा दिया। वहीं दुर्गापुर में दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी हुई, इस दौरान उनकी टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ बहस भी देखने को मिली है। तो कई जगहों से हंगामे की खबरें हैं, कई जगह से बवाल की खबरें हैं। और ये देखिए तीन तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, दुर्गापुर, पश्चिम बर्धमान की, बैरामपुर उसकी तस्वीर जरा देखिए, और एक तस्वीर ये भी है, नाबालिग बेटे ने पिता का वोट डाला है और पिता ने अपने नाबालिग बेटे से वोटिंग करा दी, उसकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। और पहली तस्वीर जरा देखिए पश्चिम बर्धमान की, और पश्चिम बर्धमान में दिलीप घोष के खिलाफ नारेबाजी हुई है। और पिछले जो ये देखिए ये दूसरी तस्वीर जो आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अपने सामने वोट डलवाया टीएमसी के कार्यकर्ता ने एक वोटर को पकड़कर टीएमसी का कार्यकर्ता लेकर गया, और इस व्यक्ति ने पहले जो जरूरी पीठासीन अधिकारी से जरूरी कार्रवाई होती है, और इसके बाद वो उसका हाथ पकड़े रहा और इस बात को लेकर ही आपत्ति दर्ज कराई है कि अपने सामने उसका वोट डाला गया, डलवाया है हाथ पकड़कर। इसको लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और इसके अलावा झड़प की भी तस्वीरें हैं, ईवीएम के मशीन तक ये टीएमसी का कार्यकर्ता पहुंच गया, इसको लेकर भी सवाल पूछे जा रहे हैं। और कुछ और जगहों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। पश्चिम बंगाल में जनता को वोट नहीं करने दिया जा रहा है, आप गांव के अंदर में लोगों को रोका जा रहा है, बूथ में महिलाओं को रोका जा रहा है। आप देखिए बूथ नंबर, देखिए आज के डेट के अंदर सेंट्रल फोर्सेस विटनेस्ट किया कि भारतपुर के जो बूथ नंबर 155 है वहां पे एक युवा को बुरी तरह से मार करके भगाया, खदेड़ा गया है। ये काम केंद्रीय वाहिनी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वर्धमान जहां भी चुनाव हो रहे हैं वो उनको साथ में लेके घूम रहे हैं। तो केंद्रीय वाहिनी तो उनका काम है कि वो सुरक्षा देंगे वोटरों को, मगर वो तो सुरक्षा कर्मी बने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है पश्चिम बंगाल में खुलेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं केंद्रीय वाहिनी के साथ। सुकांता मजुमदार भी हमारे साथ जुड़े हैं, सुकांता जी क्या जवाब देंगे, बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। देखिए तृणमूल कांग्रेस के आरोप पे मुझे सिर्फ इतना ही बोलना है, कैमरा सब दिखा रहा है, कैमरा झूठ नहीं बोलता। अभी पश्चिम बंगाल में जितने सीटों में लोकसभा चुनाव हो रहे हैं उन लोकसभा चुनावों में हमारे आसनसोल में एक कार्यकर्ता को बूथ से सिर्फ फोर के निकाल दिया गया, वोट लूट करने की कोशिश, कैमरे के सामने दिखाई जा रहा है कि तृणमूल के नेता हाथ पकड़ के लोगों को जाके अपने सामने वोट देने के लिए बाध्य कर रही है। तो गुंडागर्दी कौन कर रहा है, किसके खिलाफ, पोस्ट पोल वायलेंस के हजारों केसेस हैं तृणमूल नेताओं के खिलाफ है, लगभग 200 तृणमूल नेता जेल के अंदर है, जो पोस्ट पोल वायलेंस की है। उसके अलावा एक 55 जेल में डालना चाहिए, डेमोक्रेसी में बिलीव नहीं करते। और पश्चिम बंगाल के अलावा भारत वर्ष में ऐसा दृश्य आपको कहीं पे दिखाई नहीं देगा, इट्स हैपेन ओनली इन बंगाल। स्वयं जी क्या कहेंगे ये बात जो ये जो आरोप सुकांता मजुमदार जी की तरफ से लगाया गया है कि ऐसी तस्वीरें सिर्फ पश्चिम बंगाल से ही आती हैं और कहीं से नहीं। नहीं देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर में जिस तरह से चुनाव के समय में एक सृष्टि तैयार की जा रही है कि एक आक्रोश का माहौल बनाया गया है, कहीं भी हिंदू मुसलमान करके, कभी जातिवाद फैला करके, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्राम के अंदर में आपने देखा है कैसे संदेश खाली के मुद्दे को खुद प्रधानमंत्री आकर के, गृह मंत्री आकर के उन्होंने पश्चिम बंगाल को टारगेट करने का एक, और उसमें केंद्रीय वाहिनी की मुख्य भूमिका है, इलेक्शन कमीशन में मौन बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है, खुलेआम भारतीय जनता पार्टी के नेता मतलब केंद्रीय वाहिनियों को साथ में लेकर के घूम रहे हैं, और जनता, साधारण जनता को कोई तृणमूल का कर्मी नहीं है, पूरी बुजुर्ग महिलाएं वोट देने जा रही है उनको रोका जा रहा है।
और पश्चिम बंगाल के बोलपुर में एक बूथ में किस तरह से हंगामा देखने को मिला वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान हंगामा और मारपीट भी देखने को मिली है। पश्चिम बर्धमान के दुर्गापुर में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। वहीं बैरामपुर में हंगामा कर रहे लोगों पर पुलिस ने बल प्रयोग किया है। ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, एक तरफ दुर्गापुर की और दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो बैरामपुर की है। तू जाए नहीं जाए तू जा।